डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं बहुत बड़ी कैटेगरी ड्रग की, जिसमें कौन सी ड्रग्स की बात करने वाले हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स। ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई यदि मैं करता हूँ तो यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, और हार्ट के साथ में इसकी जो वेसल्स हैं या आर्टरीज है उन पे उनकी बात कर रहे हैं। मींस यहाँ पे यदि आप देखेंगे ओवरऑल, मतलब जहां जहां पे ब्लड का फ्लो हो रहा है उससे रिलेटेड जितने भी डिजीज है उन डिजीज की अपन बात करने वाले हैं, उन डिजीज से रिलेटेड कौन सी ड्रग कैटेगरीज है उनकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर का मतलब शायद समझ में आ गया होगा, कार्डियो का मतलब यह हार्ट और वैस्कुलर का मतलब फ्लो, मतलब आर्टरी से रिलेटेड। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों वर्ड्स मैंने बता दिए हैं। यदि मैं हार्ट और प्लस ये वैसल्स और आर्टरीज कहूँ तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये आपके शायद समझ में आ गया होगा। अब अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में सबसे पहले कैटेगरी आती है, कौन सी कैटेगरी आती है, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है, देखना यहां पे यदि मैं इसको थोड़ा सा एक वर्ड आ रहा है यहां पे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर आपको शायद सबको पता होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। मैंने वीडियो से रिलेटेड पहला भी डाला हुआ है इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पेशेंट को दिक्कत होती है, हाई उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इस हाइपरटेंशन को जो ड्रग से ट्रीट करने के लिए या एजेंट जो ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है हम उनको एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। मींस एजेंट्स और ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। ओके, ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी हमारे सामने आ रही है, कौन सी देखिएगा, पहली कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी एंटी एंजाइनल एजेंट्स। एंटी एंजाइनल का मतलब समझना, यहां पे बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं। एक वर्ड होता है एंजाइना, एंजाइना का मतलब ये होता है जिसको हम थोड़ा सा और ब्रॉडली हम बोले तो एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब सिंपल सा होता है, आपको शायद पता होगा कि एक हमारा हार्ट होता है जो इस तरह से बना होता है चार कंपार्टमेंट के तौर पे। हार्ट में हार्ट पूरी बॉडी में क्या करता है, बॉडी से लेता है, बॉडी को ही वापस ब्लड का फ्लो देता है, तो ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे जो हार्ट की मसल्स होती है, हार्ट की जो मसल्स खुद की मसल्स होती है उसमें भी क्या होता है, ब्लड का फ्लो जाता है। यदि हार्ट की जो मसल्स होती है उन मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन यदि मिल नहीं पाती उस सिचुएशन में क्या होता है, हार्ट की मसल्स में प्रॉब्लम होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना, वो डिजीज कहलाती है एंजाइना पेक्टोरिस। तो ध्यान देना यहाँ जो मसल्स है हार्ट में, मैं हार्ट मसल्स बोलूंगा, हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती उस सिचुएशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जनरली इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है, जो ड्रग्स यूज की जाती है, जो एजेंट्स यूज की जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स या एंटी एंजाइनल एजेंट्स बोलते हैं। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, दैट इज ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना नोन एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स और एंटी एंजाइनल एजेंट्स। ओके, और एंजाइना क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीटली नहीं हो पाती उस सिचुएशन में हम उसको एंजाइना बोलते हैं। ओके, ये बहुत सारी अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, जैसे कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, इस तरह से सिचुएशन हो गई या डिमांड हो गई, या फिर क्या होता है जो हार्ट की जो फ्लो करने वाली जो रहती है
वेसल्स उनमें कुछ ब्लॉकेज आ गया हो, उस सिचुएशन में भी क्या होता है, हार्ट की मसल्स को पूरा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उस सिचुएशन में क्या होता है, हम पेशेंट को एंजाइना हो जाता है। हम पेशेंट को उस सिचुएशन में सबसे पहले जो ड्रग्स दी जाती है दैट इज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ओके, ये हो गई हमारी दूसरी कैटेगरी की ड्रग्स। थर्ड कैटेगरी आती है दोस्तों एंटी अरिदमिक। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ गया एंटी अरिदमिक। एंटी अरिदमिक का थोड़ा सा अगेन मैं और बोलूंगा यहाँ पे, एंटी अरिदमिक का ये वाली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए ना, एक वर्ड होता है अरिदमिया, ए डबल आर एच वाई टी एच वाई एम आई ए, अरिदमिया। अरिदमिया का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वर्ड में बोलूंगा तो मैं रिद्म बोलूंगा, रिद्म बोलूंगा। रिद्म का मतलब क्या होता है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, रिद्म का मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड से कंटिन्यूसली वही रिपीटेबिलिटी के तौर पे काम लगातार होना। रिद्म का मतलब मैं लगातार दौड़ रहा हूं तो वह मेरी रिद्म हो गई, मैं लगातार बोल रहा हूं वो मेरी रिद्म हो गई। लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे इसी को रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा, जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली जब से बच्चे का जन्म होता है और जब तक बच्चे जिंदा रहता है तब तक वो कंटिन्यूसली धड़कता रहता है एक पर्टिकुलर रिदम के साथ, वो होगी रिदम। और किसी कारणवश क्या हो गया, इस हार्ट की जो पंपिंग है, या यूं कहूंगा इसकी जो पंपिंग है या उसकी लबडब वाली आवाज ही, या जो वो इरेगुलर हो जाए तो क्या होगा, जो रिद्म हो गई वो गड़बड़ा गई। रिद्म गड़बड़ा गई मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई, या तो तेज धड़क रहा है या धीरे धड़क रहा है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम अरिदमिया। इरेगुलर सिचुएशन को बोलते हैं हम अरिदमिया। और इस अरिदमिया मैंने क्या बोला, या तो हार्ट बहुत तेज धड़क रहा है या हार्ट धीरे धड़क रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं अरिदमिया, मतलब रिदम में नहीं है, दैट इज अरिदमिया। और अरिदमिया एक डिजीज हो गई, और इस अरिदमिया को मतलब या तो हार्ट रेट ज्यादा हो रही है, हार्ट रेट धीरे हो रही है, पंपिंग बहुत तेज हो रही है, पैल्पिटेशन टाइप का हो रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है नॉर्मल से, तो ऐसी सिचुएशन को हम अरिदमिया बोल रहे हैं। और इस अरिदमिया को ट्रीट करने के लिए जो दवाई दी जाती है, जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, एंटी अरिदमिक एजेंट्स। एंटी अरिदमिक एजेंट्स से शायद समझ में आ गया होगा, एजेंट्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अरिदमिक known as anti-arrhythmic। anti का मतलब समझ में आ गया, और यदि आपको disease का concept समझ में आ गया तो बहुत easy way में आप उसकी definition लिख सकते हैं, इस concept से आपको समझना है। अब बात करते हैं next category आती है हमारी कौन सी, देखिएगा यहाँ पे ड्रग्स फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ड्रग्स फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखिएगा यहाँ पे अगेन ए वन वर्ड आता है जिसको बोलते हैं CHF। CHF को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट नाम है इसका CHF, जिसको हम डिटेल में बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। अब यहाँ पे रीजन क्या है, जो हार्ट की मसल्स थी, अभी मैंने बताया जो हार्ट की मसल्स थी यहाँ पे जो पंपिंग करता है, या किस तरह से जो यहाँ पे जो मसल्स हैं, वो मसल्स जो है, और स्पेशली कौन सी हार्ट मसल्स है, वो हार्ट मसल्स काम करना बंद कर दे या वो पुअर वर्किंग हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होता है, हार्ट पंप करना बंद करेगा तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेशन की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन को हम ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती है, ड्रग्स फॉर द CHF भी शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये हमारी चौथी कैटेगरी होगी ड्रग्स की जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है जनरली जो बोली जाती है, जिसको हम बोलते हैं
ड्रग्स फॉर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। अब ध्यान दीजिएगा, पेरिफेरल का मतलब हो गया आउटर साइड, पेरिफेरल का मतलब हो गया आउटर साइड। ध्यान देना, हमारा हार्ट इधर है और पूरी बॉडी में इसकी आर्टरीज और वेन्स फैली हुई है, तो पेरिफेरल आर्टरीज और पेरिफेरल का मतलब यहाँ पे समझ, इजी वे में यदि मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं आर्टरीज और यहाँ पे वेन्स की बात कर रहा हूँ। आर्टरीज और वेन्स में कोई प्रॉब्लम है, अब ध्यान देना या आर्टरीज और वेन्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बड़े तौर पे यदि मैं बात करूं तो बड़े तौर पे यदि मैं एक सिंपल वे में मैं बात करूं तो आर्टरीज और वेन्स यदि इस तरह से रहती है यहाँ पे, ये तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई। यदि नॉर्मल सिचुएशन, ये तो हमारी नॉर्मल सिचुएशन होगी। नॉर्मल सिचुएशन के साथ में यदि मैं अब दूसरी कॉम्प्लिकेटेड या डिजीज वाली सिचुएशन बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज और वेन्स के इनर वॉल पे। लिपिड यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा होता है और यहाँ पे ब्लड फ्लो के साथ में जो लिपिड ज्यादा रहता है वो डिपोजिट हो जाता है। जनरली LDL और VLDL वाला जो लिपिड होता है वो यहाँ पे डिपोजिट हो गया। यहाँ पे नॉर्मल फ्लो जा रहा था, नॉर्मल फ्लो जाने से नॉर्मल बीपी जा रहा था, नॉर्मल से नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह रहा था, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिपिड लिपिड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल से क्या हो गया, नेरो हो गया, नेरो सिचुएशन होगी। नेरो सिचुएशन ध्यान देना, ब्लड उतना ही आ रहा है पहले वाली सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे उसकी जो डायमीटर हो गई या जो सकड़ी हो गई, डायमीटर कम हो गया, इस सिचुएशन से क्या हो गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो ये डिपोजिशन ऑफ लिपिड कहलाता है वो कौन सी सिचुएशन कहलाती है, वो बोली जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ लिपिड टू द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज और वेन्स। तो इस तरह से यहाँ पे ये इन डिजीज को, इस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए जो दवाई दी जाती है, जो ड्रग्स दी जाती है, जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्रग्स फॉर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई जनरली जो यूज होती है या ब्रॉड कैटेगरी कहलाती है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स भी होती है जिनको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं जस्ट रिविजन के तौर पे बोल रहा हूं। पहली है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए काम की जाती है। दूसरी है एंटी एंजाइनल एजेंट जो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। और थर्ड कैटेगरी आती है एंटी अरिदमिक एजेंट्स जो अरिदमिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। और फिर आता है ड्रग्स फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो CHF मींस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। और ड्रग्स फॉर द पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जनरली जिसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, इसको हम ट्रीट करने के लिए मतलब यहाँ पे इस लिपिड को हम हटाने के लिए जो दवाई दी जाती है इसको बोलते हैं ड्रग्स फॉर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बहुत तरह की होती है, उसकी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया कि कौन कौन सी ड्रग्स कैटेगरीज होती है जो कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम पे काम करती है और उनकी कौन कौन सी डेफिनेशन होती है। थोड़ा सा हमने उस डिजीज का नाम देखते हुए वो चीज हमने डिस्कस किया है, आपको समझ में आ गया होगा ब्रॉडली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कौन सी ड्रग्स काम करती है और उनका क्या मीनिंग होता है, वो चीज मैंने आपको बताई है। यदि आपको इस चैप्टर लेक्चर से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, आपको एग्जाम में भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों यदि चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को जितना हो सकता शेयर करें ताकि वो भी इस एजुकेशन से कंटिन्यूअसली लाभ ले सके। दोस्तों फिर से एक नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।